अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा मतलब यूट्यूब चैनल। वीवर्स, हमारे पास कराची कुरंगी दो नंबर कुरंगी से मेहमान आए हुए हैं, जो सिंबल ख़रीद करने के सिलसिले में इधर दरिया खान लकड़ी मंडी के अंदर तशरीफ़ लाए। और मैं आपको ये बताऊं कि ये भाई कराची से सिंबल ख़रीद करने के लिए किस तरह आए और इनको कैसे पता चला कि दरिया खान लकड़ी मंडी में हमें मुनासिब कीमत के ऊपर सिंबल जो इनका लगता है, जिस कैटेगरी का इनको चाहिए, इनको कैसे पता चला। तो ये मेरा मतलब यूट्यूब चैनल की वीडियोस देखकर इन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया और फिर हमने इनको यहाँ पर मोस्ट वेलकम किया। तो वहीद भाई, आप सबसे पहले ये बताएं कि आपका किस शहर से ताल्लुक़ है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा कराची से ताल्लुक़ है और बेसिक डिस्ट्रिक्ट मानसेरा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन कराची में हमारा बिज़नेस कारोबार जो भी है वो कराची से रिलेटेड है। ठीक हो गया। तो हमारे व्यूवर्स को आप ये बताएं कि आप दरिया खान की लकड़ी मंडी में कैसे पहुँचे और आपको ये रास्ता दरिया खान लकड़ी मंडी का कैसे मालूम हुआ। ये YouTube चैनल के थ्रू हम यहाँ पहुँचे और आपसे कॉन्टेक्ट हुआ हमारा, फिर हम यहाँ आए और फिर आपके रेफरेंस से यहाँ पर सारी जो भी मालूमात थी वो हासिल की। उसके बाद फिर हमें जो रिक्वायरमेंट थी हमारी जिस लकड़ी की, उसके लिए फिर हमने यहाँ से ख़रीदारी की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़रीदारी कंप्लीट हो चुकी। कुछ टाइम लगा, फर्स्ट टाइम था, और उसके बाद ये कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन काफ़ी सारा काम किया यहाँ पर और अभी आज हमारी लोडिंग है इंशाल्लाह, और इसके बाद जो है अब देखें आगे का प्रोसेस। बहरहाल ये मंडी है और जो भी लोग आना चाहें काम के हवाले से, किसी भी लकड़ी के हवाले से, तो उस चैनल के थ्रू आएँ और रابطہ करें और भाई आरफ यहाँ मौजूद होते हैं, वो आप हर तरह की जो है चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, लकड़ी के बारे में ब्रीफिंग करेंगे और इंशाल्लाह आपको हर किस्म की लकड़ी यहाँ मिलेगी इंशाल्लाह जो भी आपकी। तो व्यूअर्स, आपने हमारे भाई वहीद साहब जो के एबटाबाद से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका ज़्यादातर बिजनेस जो है वो कराची में सेटल्ड है, तो वहीद भाई हमारे व्यूअर्स को आप ये बताएं कि आपको तकरीबन यहाँ पर काफ़ी टाइम गुजर चुका है, ये इनको हमने ब्रीफ किया, इन्होंने यहाँ पर ख़ुद लकड़ी ख़रीद की और यहाँ पर स्टैंड से, जैसे मैंने पहली वीडियो में अपनी बताया है कि आप यहाँ पर आकर ख़ुद भी लकड़ी ख़रीद कर सकते हैं, और अगर आप ये टास्क मेरा मतलब यूट्यूब चैनल की टीम को देना चाहें तो वो हमारे जो भाई साहब इधर आए हैं मेरा मतलब यूट्यूब चैनल की वीडियो को देखकर, तो वो आपको बताएंगे कि अगर आप ये टास्क मेरा मतलब यूट्यूब चैनल की टीम को दें, क्या मेरा मतलब यूट्यूब चैनल की टीम आपके इस टास्क को पूरा कर सकती है या नहीं, ये आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी बिल्कुल पूरा कर सकती है, अगर आप कॉन्टेक्ट करें, आएँ, ठीक है, देखें, ख़ुद भी देखें, और अगर आप अगर नहीं आना चाहते तो नो डाउट, लेकिन आप बाई पिक्चर्स बाई वीडियोज़ ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और आपको आपके शहर आपकी जगह पे ये सारी लकड़ हर किस्म की मिल सकती है, और आप इस चैनल के थ्रू रابطہ करें और भाई आरफ से कॉन्टेक्ट करें, ये आपको आपके हर शहर में हर किस्म की लकड़ जो है ना आपको करेंगे इंशाल्लाह, प्रोवाइड करेंगे, और ये इनका माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस है इस हवाले से, और ज़रूर आप लोग जो है ना इनके चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और हर किस्म की लकड़ यहाँ से आपको मिलेगी, और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें, और आप इंशाल्लाह आपको बहुत आमदनी मिलेगा यहाँ से भाई आरफ के थ्रू, और ये आपको हर किस्म का कोऑपरेट करेंगे और कम से कम रेटों के ऊपर जो है ना ये कोशिश करते हैं कि आपको हर किस्म की लकड़ी प्रोवाइड करके दें, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है और ये यहाँ के माशाल्लाह से अच्छे इनकी रेफरेंसेस हैं, ताल्लुकात भी हैं, और हर लिहाज से ये आपको हर किस्म की सहूलत प्रोवाइड करेंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि ये भाई की आज लोडिंग है, माशाल्लाह इन्होंने ख़ुद बहुत एफर्ट लगाई, बहुत मेहनत की, लेकिन ये मेहनत का नतीजा इन्होंने निकाला है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो टास्क होगा सिंबल इकट्ठा करने का, तो वो इंशाल्लाह मेरा मतलब यूट्यूब चैनल की टीम को ये देंगे। और हमारा जो सिस्टम है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो मुनासिब से मुनासिब जो हमारी टीम को आप देंगे,
वो हम आपसे बखुशी लेंगे और आपके टास्क को पूरा करके देंगे। हमारी खुशी ये है कि बाहर से आने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए ओपन वे दिया जाए, खुला रास्ता दिया जाए कि उसको यहाँ पर आकर कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो अगर हमारे व्यूवर्स में से किसी को हमारी ये एफर्ट अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। व्यूवर्स आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। सॉरी, एक सवाल मैं वहीद भाई से पूछना भूल गया। वहीद भाई, आप ये बताएं कि आपने जो ये लकड़ी ख़रीद की है तो आप शायद इसका रेट मख्फी रखना चाहते हों, चूँकि आपने भी आगे जाके ये सेल करना है, आप भी अपनी रोज़ी के लिए, रोज़ी कमाने के लिए, रिज़्क़ के हलाल कमाने के लिए इधर आए हैं। तो आप ये बताएं आप इस लकड़ी का क्या करेंगे और आपको ये लकड़ी यहाँ से ले जाकर कराची फरोख्त करने में क्या आपकी रोज़ी अच्छी बनेगी, क्या आपका जो टास्क है वो पूरा होगा? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि हर लकड़ी की अपनी अपनी जो है ना क्वालिटीज़ है और उसकी इस्तेमाल है। अब जो सुंबल का इस्तेमाल है वो बेसिकली जो हम करते हैं उसको करते हैं शटरिंग के अंदर, कंस्ट्रक्शन में इसको यूज़ करते हैं। तो हम इसको ले जाने के बाद वहाँ पर कटवाएंगे इसको, इसके जो है ना वो फटे वगैरह निकालेंगे और निकालने के बाद हम इसको शटरिंग के लिए यूज़ करेंगे। बेसिक तो हमारी यही है, इससे हटकर हम इसको मतलब हाल से किसी और काम में इस्तेमाल नहीं करते। हमारा सिर्फ इसी फील्ड से रिलेटेड है और हम इसी फील्ड के यूज़ के लिए हम यहाँ से परचेज़ कर रहे हैं। कम से कम रेटों के ऊपर हमारी कोशिश होती है कि हम परचेज़ करें और ले जाकर इसके ऊपर फिर वर्किंग होती है, कटवाना और उसके सारे एक्सपेंसेस इसके ऊपर होते हैं, फिर यहाँ से कराए एक्स वाई जेड जो भी हैं। तो फिर हम सिर्फ इसी यूज़ में इसको हम लेते हैं, शटरिंग के इस्तेमाल में लेते हैं और हम इसको ले जाकर सेल नहीं करते। जैसे कि हम यहाँ से ले जाएं और ले जाकर किसी और के ऊपर सेल करें, ये नहीं करते। बहुत अच्छा, ये व्यूअर्स आपने सुना, मैं भाई की बात को मुकम्मल तौर पर समझ चुका हूँ। भाई का जो अपना एक्सपीरियंस है, भाई की जो फील्ड है, अपना शोबा है, वो कंस्ट्रक्शन से ये रिलेट हैं। इनके पांच छह जो भाई हैं, ब्रदर हैं, वो कंस्ट्रक्शन की फील्ड से ही रिलेटेड हैं। तो इनके अपने ठेके होते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो फिर ये यहाँ से सिंबल ख़रीद करके बजाय किसी से फट्टा ख़रीद करने के, ये ख़ुद थोड़ी सी मेहनत करके सिंबल ख़रीद करके ख़ुद फट्टा निकलवा के, तो अपनी जो साइट्स पे इनके काम चल रहा है वहाँ पर ये शटरिंग का फट्टा अपनी लेबर को प्रोवाइड करते हैं। तो वहीद भाई, बहुत मेहरबानी, आपने हमारे ऊपर एतमाद किया और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को एक दूसरे के ऊपर एतमाद करने का ये हौसला अता फरमाए। और आप व्यूअर्स, मैं आपको एक नसीहत तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाती है, लेकिन आपस में रवादारी, प्यार और मोहब्बत का जो एक सिलसिला है उसको कायम करने के लिए, एक दूसरे के ऊपर एतमाद का जो ये हमारे माशरे के अंदर फुकदान है उसको थोड़ा सा फ़िरोग देने की ज़रूरत है। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। मेरा मतलब यूट्यूब चैनल की टीम के साथ, पाकिस्तान जिंदा।